अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ गोल्डियन फिंच के हवाले से। मेरे पास एक प्यारा गोल्डियन फिंच का, ये मैंने कराची से लिया था अगस्त में, तो अब जाके माशाल्लाह से ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ है। ब्रीडिंग इस तरह स्टार्ट हुआ कि अभी फ़िलहाल तो अंडे दिए हुए। अच्छा, मेरा जितना तजर्बा है गोल्डियन के बारे में वो इस तरह है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते, सरदम सर मतलब सर्दी ये टॉलरेट नहीं कर सकते, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको अपने जो मेरा रूम है वहाँ पर मैंने शिफ्ट किए। दूसरी बात ये है कि ब्रीडिंग भी इनका स्लो है, लेकिन अगर जब ब्रीडिंग स्टार्ट करते तो अच्छा खासा ही 4 से 8 अंडे देती है। और ये मैं आपको फीमेल दिखा रहा हूँ, ये माशाल्लाह सेंडो पर बैठी हुई फीमेल, दोनों ब्लैक कैट है, लेकिन में आती है रेड कैट, ये दोनों ब्लैक कैट है। अच्छा, और इनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैंने इनके लिए मल्टी विटामिन की जो टैबलेट है वो भी मैंने इसके पानी में मिला दी, और इसके साथ साथ मैंने कैल्शियम भी लगा रखा है। अच्छा, इंशाल्लाह ये 15 दिनों तक ये अंडे से बच्चे निकल जाएंगे, तब मैं आपको अपडेट दूंगा बच्चों का। ठीक है, तब तक के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।